Ya भाई सर, अरे सर ये सेटिंग क्या चल रहा है? हां जेटी पे, जेटी पे आ रहा हूं। जेटी पे आ रहे हो? हां बट जा रहा हूं और क्या जा रहा हूं। ठीक है, चलते रहिए सर। बस बस प्लीज सर आने दीजिए सर। अंदर जाके फोटो से हाथ निकाल। चलो चले, नीचे देख के, नीचे देख के। भाई भाई नाम नाम रस्सी काट दो नाम। ये सर जरा खाड़ी के बीच में जाने के बाद आप अच्छा है। हाथ को दूर कर दे, अच्छा है हाथ को, हाथ को तो खाड़ी दे जाम दे इधर से भाई। अरे ये दादा एक मिनट, हाँ है ना भाई सर। सिद्धार्थ 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 सर अच्छा बंबई के फोटोबाज हैं जो हमारी जबरिया फोटो खींचते हैं।
तो हम इन्हें आज खींच के ले आए यहाँ पे हमारा ट्रेलर दिखाने के लिए। ये हमें कैप्चर करते हैं, हमें इनको कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, बट ये ऐसे सही नहीं है ना, मतलब इंस्टाग्राम मतलब जाने लाइव वाइव तक ठीक था, यहाँ क्यों लेके आओ मीडिया के सामने आप लोग? भाई नहीं भाई, हाँ सर कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे, स्माइल करके दिखाइए, कहाँ से बोलेंगे, कहाँ से मुस्कुराएंगे, कुछ बोलिए कुछ बोलिए। चलो चलो गाने गा के सुनाइए। अब आपको ट्रेलर दिखाने लाए थे, आप बैठ जाइए, चलिए आइए, चलिए उठिए, आइए चलिए 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 चलिए, इनको ऐसे बिठा के लाए हम। हाँ ये लोग यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रहे हैं। तो अरे भैया आपका भी प्रीपेड है ना, क्या करने आया था? पेमेंट हुआ है ना इनका, पेमेंट जो करवाने आया था करिए ना। हाँ मतलब अभी वक्त हो गया है कि हम सब यहाँ बड़े पर्दे पर वो इनकी फिल्म का जो ट्रेलर है। भाई तुम्हें ही चाहिए हमको। आई थिंक सबसे पहले सिद्धार्थ को हमने अप्रोच किया था, उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ मैं तो बड़ी बात करते हैं। आप लोग को जब भी हमने देखा यू गाइस गेट इनटू द यू नो द कैरेक्टर, यहाँ पे से कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या करना, उठाया लोगों को, उठाए क्या करना? मुझे एक्चुअली लड़कियों को उठाने का एक्सपीरियंस था, लड़कों को उठाना था तो काफी मेहनत लगी, काफी प्रैक्टिस लगी। और बड़ा प्लीज टेल अस हाउ वाज इट फील। मुझे लड़के उठाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कह सकते हो अभी प्रैक्टिस हो गई है, जब मेरी शादी होगी आई थिंक वो मानेगा नहीं तो मैं ये करने वाली हूं। तैयार है जवाब उठाने के लिए, साथ देने के लिए, साथ देने के लिए तैयार है भाई, तैयार। हां कर दिया यार सिद्धार्थ ने, यही छाप के आने वाली। जी हां ऑफ कोर्स, सुनिए सिर्फ हां बस राइट। जावेद सर यू नो वन मोर टाइम, मतलब जैसे कहते हैं कास्ट एंड क्रू। इट वाज फॉर मी वेरी फर्स्ट टाइम आई वाज अप्रोच्ड टू प्ले द फादर ऑफ अ लीडिंग मैन। आई सेड ओके इट्स अ फर्स्ट स्टेप, आई हैव टू डू इट समवेयर, तो कहीं तो करना है। तो मुझे स्क्रिप्ट बड़ी चाहिए, प्रशांत ने जब हमें सुनाई जी तो बहुत कन्विंसिंगली एक सेट सिटिंग में ही हम समझ गए कि ये बड़ी सब सही चल रहा है। सिद्धार्थ का नाम लिया जो इस फिल्म में जो कमाल किया है वो आप देखेंगे। And again, character में घुस के जिस हिसाब से वो बोल चाल रंग ढंग, that's amazing। एक बार जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen। And now it's yeah, over actually, to I just want to add one thing, you know, honestly, please. After he's really बहुत मेहनत करके he's gone under the skin of the character और एक नए तरीके का एक बहुत मजावा काम किया है, so I thank you so much। It's over to the media। आप लोग अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। And we start from there। हमारे अलावा कोई इस टाइटल के हकदार में नहीं है, ओनली अस। नहीं रियल लाइफ में अगर आप दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए कि किन्हीं दो लोगों को उठा के इनकी जबरदस्ती शादी करवानी है। बिल्कुल ये ऐसे ही करती है मेरी जिंदगी में आके उथल पुथल। पिछली बार हम लोग एक अलग जोन में आए थे और इस बार इतने सालों बाद ये बहुत ही कलरफुल पटना की दुनिया में जबरिया जोड़ी जो ये प्रथा है उस दुनिया में आए हैं। आई थिंक इस बार आपको और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट भी है कि जो ये प्रथा होती है बिहार में और उसको हमने एक कॉमिकल वे में दिखाया है। इसमें जो दहेज की प्रथा है उस पर एक मैसेज भी है। बट या आई थिंक हंसी तो फंसी के बाद नीति गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड कई बार हम लोग फिल्म की कोई बात करते थे बट वी नेवर यूज्ड टू डू इट बिकॉज हमको हंसी तो फंसी से कुछ बहुत अलग करना था। यू नो वी वॉन्टेड टू डू अ लव स्टोरी, वी वॉन्टेड टू डू अ स्टोरी टुगेदर विद दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री लेकिन इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। सिड कॉल्ड मी दैट यू नो देयर इज दिस फिल्म एंड आई थिंक वी शुड यू नो यू शुड टॉक टू एकता एंड आई वॉज जस्ट स्केयर्ड कि आई होप फिर से उस स्पेस में ना हो बट इट वॉज टोटली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि लास्ट ईयर भी आई थिंक ऐसे काफी सारे केसेस वहाँ पे हुए हैं, कम से कम 100 से ऊपर की लोगों ने कंप्लेन्स करी है पुलिस में कि यार जबरिया शादी हो गई और लड़कों को उठा लिया गया। राइट
जैसे आप बोले बहुत ही अलग हिंटरलैंड वाली दुनिया है जो बहुत रिमूव्ड है हमारे शूटिंग या कुछ तरह से ब्रीफ एनकाउंटर भी अगर हुआ उनके साथ तो मिले तो नहीं बिल्कुल हम साथ में गए हम ऐसे जोड़ियों से मिले ऐसे लोगों से मिले और काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आई जो हमने पूरा गोल के इस फिल्म में डाल दिया और एक रोलर कोस्टर राइड आपके लिए बना जबरदस्ती शादी करवा के और दूसरा सवाल ये था कि अगर इन फ्यूचर आपकी जबरदस्ती दोनों की शादी हो जाए आपकी किसी और से आपके किसी और से जबरदस्ती करा दी जाए तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप एक्सेप्ट करेंगे या छोड़ देंगे आप इसका जवाब आपको हमारी पिक्चर में मिलेगा कि कितना मजा आया वो दिखेगा आपको मुझे पर्सनली ये जो भाषा है ये जो दुनिया है इसमें घुसना का ये हम लोग पटना की हिंदी बोल रहे हैं इसमें क्योंकि ये हिंदी पिक्चर है पटनैया जिसको कहते हैं जो ये मिक्स है सारे डिफरेंट एक्सेंट्स का वहाँ पे और ह्यूमर बहुत ही क्लेवर है राज हमारे राइटर ने लिखा है डायलॉग राइटर जी ने ये है जी एंड ये खुद भी डायरेक्ट कर रहे हैं अपनी अगली पिक्चर तो आई थिंक जो फ्लेवर लाए हैं हम लोग इस कहानी से इस डायलॉग से आपने पहले कभी ऐसे रेलिवेंट बट येट फनी डायलॉग नहीं देखे होंगे तो मुझे तो बहुत मजा आया परी के साथ ऐसे पान खा के इनको परेशान करना पिक्चर में और फिर देखते हैं कि आप हमारी शादी होती कि नहीं होती इसमें देखिए आप बहुत मजा आया था क्योंकि हंसी तो बसी के टाइम पे वी वर वेरी न्यू आई थिंक सिड की सेकंड फिल्म थी माइन वाज थर्ड और फोर्थ समथिंग लाइक दैट तो वी वर वेरी न्यू हम लोग सेट पे यू नो वी वर स्टिल गेटिंग टू नो ईच अदर गेटिंग टू नो फिल्म्स एंड वहां पे विनल सर जो वहां पे डायरेक्टर थे दे ऑलवेज ही ऑलवेज यूज्ड टू से केमिस्ट्री एक दूसरे की आंखों में देखो आई वांट टू सी लव इन योर आईज एंड ये सब बट इस फिल्म पे वी आर काइंड ऑफ इक्वल्स एंड वी आर लाइक काइंड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लव इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री दैट आई गॉट टू एक्सप्लोर विद हिम विच आई थिंक आई होप फैंस रियली लाइक एंड जो आपका सवाल था जस्ट टू आंसर कि आई थिंक किसी भी तरह की शादी अगर जबरदस्ती हो वो अच्छी नहीं होती चाहे वो किसी भी रीजन से हो बट इन दिस फिल्म हम लोग कोई सीरियस मैसेज या लेक्चर नहीं दे रहे हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ इंडिया में एक्चुअली होती है बट क्योंकि यू नो वी ऑल लव वॉचिंग फनी मूवीज एंड कॉमेडी हमको बहुत पसंद आती है तो हमने उस टेक में इस स्टोरी को हाईलाइट किया है आपकी हो तो हमारी शादी में बहुत इंटरेस्टेड है आप लोग दो अपनी आपकी हो तो आपकी जबरदस्ती हो मुझे लगता नहीं यार कोई मेरे को कोई जबरदस्ती करवा पाएगा कुछ भी आप पे खुद ही करना पड़ेगा आप एक मैट्रिमोनियल एजेंसी खोल लो सही बात आप कोशिश करके देख लीजिए इसके लिए लड़की और मेरे लिए लड़का ढूंढ दो आप Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.